खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सामने ही सरयाम मेडिकल की दुकानें संचालित होने लगी हैं। चाहे जिला चिकित्सालय हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी जगहों पर हॉस्पिटल के ठीक सामने ही मेडिकल की दुकानें लग जा रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर की खुली दुकान तो नहीं होगा खैर, जिसको लेकर के बलिया सीएमओ काफी सख्त दिखे। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर विजयपति द्विवेदी ने बताया कि आज मैं डीआई को पत्र लिख रहा हूं कि ड्रग इंस्पेक्टर हमें इस बात की सूचना दें कि कितनी प्रतिशत सरकारी डॉक्टर दवाएं लिखते हैं और कितने मरीज स्वयं खरीदता है और प्राइवेट डॉक्टर्स खरीदते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के पास प्राइवेट डॉक्टर्स हमेशा अक्सर नहीं बैठते हैं। तो यह सूचना हमें मिल जाएगी और हम उस पर कार्रवाई करेंगे और डीएम सर से यह भी निवेदन करेंगे कि जिला प्रशासन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस देते समय अगर वो सरकारी हॉस्पिटल के पास के लिए अप्लाई करता है तो उस पर पुनः विचार किया जाए कि वहाँ की संख्या ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि एक कारण यह भी है कि जो डॉक्टर प्राइवेट दुकानों के बाहर के दवा लिख देते हैं। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय बलिया की बात बता रहे हैं, जहाँ पर सीएमओ डॉक्टर विजयपति द्विवेदी के द्वारा मेडिकल स्टोर जो संचालित हो रहे हैं उनको लेकर के सख्त दिखे हैं। तो वहीं पूरे जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिसके सामने चल रहे मेडिकल स्टोरों को लेकर के सीएमओ ने सख्त दिखे और उन्होंने कहा कि जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। सरकारी चिकित्सालय हैं, वहाँ पर जो बाहर में प्राइवेट मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं उनके विरुद्ध भी कहीं ना कहीं जिलाधिकारी महोदय और डीआई को एक बार सोचना चाहिए कि इनकी क्या जरूरत है। डीआई साहब को हम पत्र लिख रहे हैं आज कि ये ड्रग इंस्पेक्टर इस बात की हमें सूचना दें कि कितनी दवाएं, कितनी प्रतिशत दवाएं सरकारी डॉक्टर द्वारा लिखी जाती हैं और कितनी स्वयं मरीज खरीदता है या प्राइवेट डॉक्टर से लिखते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के पास प्राइवेट डॉक्टर्स अक्सर नहीं बैठते। तो हमें ये सूचना मिल जाएगी, हम उस पर और कार्रवाई करेंगे और निवेदन यह भी हम डीएम सर से करेंगे कि ये जिला प्रशासन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस देते समय अगर वो सरकारी हॉस्पिटल के पास के लिए अप्लाई करता है तो उस पर पुनर्विचार किया करें, जिससे वहाँ संख्या ज़्यादा न बढ़े, क्योंकि एक कारण यह भी है।